Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की निजी जिंदगी इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मई के महीने में कानूनी नोटिस के जरिए एक्टर से तलाक मांगा था। उसके बाद आलिया ने अपनी शादी से पहले वाले नाम अंजना आनंद किशोर पांडे का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया है। इस मामले पर नवाजुद्दीन ने चुप्पी साधी हुई थी। हालांकि हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बात की और बताया कि वो आलिया को उनके नोटिस के बदले में कानूनी नोटिस भेज चुके हैं। अब आलिया ने इस बारे में ट्वीट किया है। आलिया ने ट्वीट करके कहा है कि उनका जवाब का इंतज़ार किया जाए। उन्होंने लिखा, अच्छा है कि तुमने आखिरकार कुछ बोला नवाज, मेरे जवाब का इंतज़ार करना। अब मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में हिचकिचाऊंगी नहीं। बता दें कि नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मई में नवाजुद्दीन को तलाक का कानूनी नोटिस भेजा था। इस नोटिस में आलिया ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से तलाक के साथ साथ गुजारा भत्ता भी मांगा था। लॉकडाउन के दौरान ये खबर नवाज के सभी फैंस के लिए चौंकाने वाली थी। एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने बताया था कि उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाने के मामले में हद पार हो गई थी। इसके चलते अब उन्हें लगा कि कई सवालों का जवाब दिए जाने जरूरी है। आलिया सिद्दीकी ने बताया कि नवाजुद्दीन के परिवार की तरफ से उन्हें कई तरह की परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही थी। हालांकि नवाजुद्दीन के द्वारा किसी भी तरह की मारपीट किए जाने से उन्होंने साफ इनकार किया है। आलिया से जब पूछा गया कि क्या कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उनके साथ किसी तरह की मारपीट की है, तो उन्होंने इसका जवाब एक शब्द में नहीं कहकर दिया। जानकारी के मुताबिक नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह नोटिस 7 मई को व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया था। नवाज की शादी आलिया के साथ 2009 में हुई थी। इस शादी में दोनों का एक बेटा यानी सिद्दीकी और एक बेटा शोरा है। मालूम हो कि नवाज की ये दूसरी शादी है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।